कि ना उसे संभलने का मौका मिलेगा और ना ही खड़े होने के लिए पैरों तले जमीन। खाना तो सबने खा लिया और अब आती है मीठे की बारी। मैंने अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद की रबड़ी बनाई है। अब तुम लोग इस रबड़ी को खाओगे और अपने मन की सारी कड़वाहट भूल जाओगे। ये लो प्रतीक, ये निहार के लिए, ये लीजिए। अरे क्या हुआ? प्रिया की वजह से हार्मलेस पेंट कराया था इस बार। इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा माँ जी, लेकिन इससे जो इल्जाम रुचिता के सिर पर आएगा उससे हमारा फायदा जरूर हो जाएगा। और गवाह के तौर पे प्रतीक तो है ही, वो अनजाने में ही हमारे इस प्लान में साथ देगा। क्या हो गया बेटा, रबड़ी अच्छी नहीं बनी क्या? हरी मॉम, बट ये रबड़ी में क्या डाला आपने? बहुत अजीब टेस्ट है। हाँ, ऐसे लग रहा है कुछ पेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला है। पेंट प्लास्टर, क्या बात कर रहे हो बेटा? मैंने रबड़ी खुद अपने हाथों से बनाई है। सारा टाइम मैं किचन में खड़ी रही और कोई आया भी तो नहीं था किचन में। पूनम, तुम मेवा लेने रसोई से बाहर गई थी ना? हाँ माँ जी, लेकिन मैं तो 3-4 मिनट के लिए ही गई थी मेवा लाने, उतनी देर में कौन आ जाएगा भला। किसने खराब कर दी मेरी रबड़ी? जिसको भी करनी थी किसी और तरीके से कर देता ना। अब पेंट मिला के मेरे बच्चों की जान का दुश्मन क्यों बन गया वो इंसान? वहां आपके पीछे किचन में कोई आया था। कौन? रुचिता। जब दादी की दवाई लेने किचन में गया था तो वो वहां खड़ी थी और बहुत अजीब बिहेव कर रही थी मुझे देखकर, और उसके हाथ में कुछ व्हाइट पेंट जैसा भी लगा था। नहीं भैया, मैं तो बस खाना बनाने गई थी और जब मैं किचन में गई थी तो मैंने देखा कि रबड़ी उबल के नीचे गिर रही थी, तो मैं उसे ही साफ कर रही थी। लेकिन मैं तो रबड़ी पूरी बना करके गई थी ना किचन से, फिर रबड़ी उबल कैसे सकती है? और गैस तो मैं बंद करके गई थी। नहीं माँ, आपने बंद करने की जगह तेज कर दिया था, और जब मैं वहाँ पे आई। रुचिता, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने गैस बंद की थी। माँ जी, मैंने गैस बंद की थी ना, आपके सामने की थी ना। माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो क्या प्रतीक झूठ बोल रहा है, या फिर पूनम ने अपने बच्चों को नुकसान पहुँचाने के लिए रबड़ी में पेंट मिला दिया? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी, मेरे बच्चे मेरी जान है, मैंने बहुत प्यार से उनके लिए रबड़ी बनाई थी। पर मॉम, वो भी ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा कर सकती है बेटा। जब बीवी को माँ के हाथ का खाना खटकने लगे ना, तब वो ऐसा जरूर करती है। माँ, बस रुचिता, बस। चाहे तुम कितनी मर्जी सफाई दे लो, लेकिन अपनी इस जलन को मेरे लिए छुपा नहीं सकती तुम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि तुम हम माँ बेटे के बीच में ये दूरी बनाने के लिए इतना गिर जाओगी। तुम्हें नहीं पसंद है कि मैं निहार के लिए कुछ करूं तो बता देती मुझे ना, मैं भूल जाती कि मेरा बेटा है निहार, लेकिन मेरे बच्चों की जान तो बख्श दो ना। ये जो ओछी हरकत की है ना तुम, इसके बाद इसी लायक हो तुम। ये क्या तरीका है आपका गुस्सा जाहिर करने का? अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि ये गलत है या सही, और आपने इस पे रबड़ी फेंक दी। मेरे रबड़ी फेंकने पर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? जरा सोचो, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे कैसा लग रहा होगा? निहार जी, ये शांत हो जाएगा। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो मुझे बोलने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। इस घर में इतना सब कुछ गलत हो रहा है, किसी ना किसी को आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। बस निहार, बस निहार, अब तुम हद पार कर रहे हो। कहाँ है वो तुम्हारी? रहने दीजिए प्रतीक के पापा, इस लड़के से तो कुछ कहना ही बेकार है। इस लड़की की बातों से इतना अंधा हो चुका है कि इसे कोई और रिश्ता दिखाई नहीं देता। देखा था ना आपने कैसे लड़ रहा था ये प्रतीक से, आज मुझसे झगड़ रहा है। क्या पता कल आपको और माँ जी को कुछ सुना दे, इसलिए प्लीज आप चुप हो जाइए, मत कहिए इसे कुछ भी। मॉम प्लीज, मैं किसी पर जबरदस्ती गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। बचे चाहे जो भी हो निहार, तुम अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते निहार। जहां तक बात रबड़ी की है, वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसका फैसला वहीं लिया जाएगा जहां ये रबड़ी बनाई गई थी।